अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे हैदराबादी चिकन दम बिरयानी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है 1 किलो चिकन। इसको अच्छे से हमने वॉश कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे बिरयानी मसाला, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और दही। यहाँ पे मैं बहुत अच्छा सा गाढ़ा दही इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और कटी हुई हरी मिर्च। इसको मैंने बीच में से कट कर लिया है। अब यहाँ पे कुछ मिर्चों को मैंने ग्राइंड भी कर लिया है, वो भी हम इसमें डाल देंगे। तली हुई प्याज ली है मैंने, इसको भी हम अच्छे से बारीक पीस लेंगे। थोड़ा सा पानी डालकर पीस सकते हैं आप, अगर आपकी ग्राइंड नहीं हो रही है तो। 1 लेमू का रस डाल देंगे। अब सभी मसालों को अच्छे से चिकन में मैरिनेट कर देंगे। थोड़ा सा डाल देंगे हरी धनिया और पुदीना। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम इसको रख देंगे 2 घंटे के लिए। आप इसे ज़्यादा समय के लिए भी रख सकते हैं। यहाँ पे एक बड़े से पतीले में मैंने ले लिया है 3 लीटर पानी। यहाँ पे कुछ मसाले ले लेंगे, काली मिर्च, सफ़ेद इलायची, लौंग, बड़ी इलायची, एक बिरयानी का फूल, ज़ीरा ले लेंगे 1 चम्मच और जावित्री, तेज़पत्ता और दालचीनी। इन सभी मसालों को हम पानी में ऐड कर देंगे। नमक डाल देंगे 3 बड़े चम्मच, हरा धनिया डाल देंगे और आधा कटा हुआ लेमन, तेल डाल देंगे 2 बड़े चम्मच। अब सभी मसालों को अच्छे से ढक्कन ढककर उबलने के लिए छोड़ देंगे। इससे पानी में अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा मसालों का। जब तक पानी उबल रहा है, हम यहाँ पर एक बड़े बर्तन में जिसमें हम बिरयानी को दम करने वाले हैं उसमें अपना चिकन ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको अच्छे से फैला लेंगे। यहाँ पर मैंने 4 आलू लिए हैं, इसको इस तरीके से क्यूब्स में कट करके इसमें डाल दिया है। आप चाहें तो इसको ना भी डालें। इसमें डाल दिया है तेल, तेल बिरयानी में ज़्यादा ही लगता है तो इसलिए आप तेल में कंजूसी ना करें। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फैला लेंगे अच्छे से। यहाँ पे हमारा पानी भी उबलना शुरू हो गया है, ये देखिए अच्छे से उबल गया है। इसके सारे मसाले निकाल लेंगे क्योंकि मसाले मुंह में पड़ते तो अच्छे नहीं लगते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे सारे मसालों को निकाल रही हूँ। अब यहाँ पे मैं इसमें चावल डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1 किलो बासमती राइस लिया है, इसको अच्छे से 1 घंटे के लिए धुल कर भिगा लिया था। इसको मिक्स कर कर आप इस पॉइंट पे पानी का नमक चख सकते हैं। इसको ढक्कन ढक कर उबलने देंगे। इसे सिर्फ 1 उबाल आने तक पकाना है। चावल को सिर्फ 50-60% ही पकाना है। अब हम इसको छान लेंगे और सीधे चिकन के ऊपर ऐड कर देंगे। अच्छे से चारों तरफ फैलाकर हमें चावल को डालना है इसमें। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ येलो फूड कलर और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और बहुत थोड़ा सा केवड़ा वाटर। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको भी अच्छे से चावल के ऊपर स्प्रेड कर देंगे चारों तरफ। गार्निशिंग के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं तले हुए काजू और तली हुई प्याज, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना। अब इसको हम ढक्कन ढककर
दम होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे मैंने डबल तवा पे इसको रखा है, इसके ऊपर कुछ भारी सा रख देंगे। 10 मिनट तेज़ आंच पे और 30 मिनट मीडियम आंच पर इसको दम देंगे और हमारी हैदराबादी चिकन दम बिरयानी तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।